इसराइल फिलिस्तीन के विवाद के चलते यूपी के इस शहर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिरोजाबाद शहर का काम तो जैसे रुक सा गया। यूपी का फिरोजाबाद जिला कांच उत्पादन के लिए दुनिया में फेमस है। यहां बनने वाले कांच के आइटम विदेशों में भेजे जाते हैं, वहीं विदेशों से मिलने वाले ऑर्डर पर यहां माल तैयार होता है। लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन के बीच अचानक शुरू हुए युद्ध का असर फिरोजाबाद कांच उद्योग पर पड़ा है। यहाँ व्यापारियों को मिले करोड़ों के ऑर्डर रोक दिए गए हैं, जिसके कारण व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। संतोष जैसे कितने व्यापारियों को इसराइल, फिलिस्तीन और आसपास के देशों से कांच के आइटम तैयार करने के लिए ऑर्डर मिले थे, लेकिन अब वो रोक दिए गए हैं। ऐसे में फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। फिरोजाबाद से धीर राजपूत की रिपोर्ट। अभी हम लोगों को फेयर में काफ़ी ऑर्डर मिले उधर से, और वो इस झगड़े के चलते हुए सारे ऑर्डर होल्ड हो गए, और पता नहीं वो कब जाएंगे, क्या होगा। और बाकी मैं समझ रहा हूँ फिरोजाबाद की गिलास इंडस्ट्रीज को इस झगड़े के चलते कम से कम करोड़ों रुपए की नुकसान हो रही है। मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख में 10-12-15 करोड़ रुपये का तो सीधा सीधा नुकसान दिखता है। हम लोगों को क्रिसमस हैंगिंग के ऑर्डर मिलते हैं, फ्लावर बाजेज के मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट के मिलते हैं ऑर्डर, और हमको वैक्स फिलिंग के जो आइटम चलते हैं ना, जार हैं जैसे गिलास हैं, उसमें वैक्स फिलिंग करके सारा सप्लाई होती है, उस टाइप के हमको ऑर्डर काफ़ी मिलते हैं। उस कंट्री में तो ऑर्डर थे ही, बाकी आसपास की कंट्रियों में भी काफ़ी ऑर्डर थे, और ऑलमोस्ट सारे होल्ड हो गए। इस टाइम कोई भी माल अभी नहीं जा रहा, और मुझे संभावना लगती है कि अभी ये काफ़ी लंबा जाएगा।